नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अचूक प्राचीन टोटके में। जीवन में कभी कभार अपने ही शत्रु हो जाते हैं और पड़ोसी तो होते ही है। अब ऐसा नहीं कि हर कोई शत्रु है, अपने भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, पर अधिकतर लोग जलन ही रखते हैं। आपके करियर से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी खुशहाली से जलन रखने वाले को कोई मुद्दा नहीं चाहिए, बस वो जलते रहते हैं। कभी कभी तो इतने ज़्यादा आपको परेशान करते हैं कि आप हार जाते हैं। अब ऐसे में क्या करें कि सब कुछ बेहतर हो जाए, क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। आज हम काली मिर्च की बात करेंगे। देखिए, काली मिर्च अगर हम ज्योतिष की माने तो इससे बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, टोटके किए जाते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपके किचन में होगी। और अगर भोजन में इसका प्रयोग करें तो आपका स्वाद भी अच्छा रहता है, नकारात्मक शक्तियाँ भी आपकी ख़त्म हो जाती हैं, घर में सुख और शांति आती है, भाग्य को बदल कर रख देता है यह काली मिर्च। मान्यता है अगर आपके ऊपर शनिदेव की साढ़े सती रहिया परेशानी ज़्यादा कर रही है, तब शनिवार के दिन काले कपड़े में थोड़ी सी काली मिर्च के दाने और थोड़े से सिक्के अगर काले धागे से बांध कर किसी को दान कर दिया जाए, या पीपल के नीचे रख दें, या किसी मंदिर की सीढ़ियों पर रख दें, तो उससे शनिदेव के प्रकोप से आप बच जाते हैं। तो यह तो एक सिंपल सा प्रयोग है, इससे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इससे आपकी रोज की समस्या तो दूर होगी और जीवन के बहुत सारी परेशानी से मुक्ति आपको मिलेगी। कई बार क्या होता है, आप दिन ब दिन उलझते चले जाते हैं किसी न किसी चीज़ में। कभी बीमारियाँ परेशान कर रही है, कभी धन की समस्या है, कभी पारिवारिक टेंशन है, बहुत तरह की परेशानियाँ आपको होती है। ऐसी ऐसी परेशानियाँ होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब ऐसे में आप मान लेते हैं आपके पास बहुत सारी परेशानियाँ हैं, आप परेशान हैं, क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा प्रयोग आपको करना है। शनिवार के दिन शाम के समय काली मिर्च के 5 दाने आपको लेने हैं। अब उनको आप अपने सर पर से 7 बार वार लें, सीधा आपको उतारना है, अपने घर में या पार लें। अब इसको किसी चीज़ में रख कर, कागज वगैरह में रख कर, आप किसी भी ऐसे स्थान पर चले जाए जहाँ पर चौराहा है, या ऐसे स्थान पर चले जाए जहाँ लोग आपको टोके नहीं, देखे नहीं। अब आपका मुख पूर्व दिशा में होगा। उसके बाद आपको एक एक करके सारे दाने चारों दिशाओं में फेंकने हैं, और जो 5वां दाना बच गया है उसको आपको आसमान में फेंकना है, और फिर आप वापस आ जाए और पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल नहीं देखना है। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, जीवन की बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आज हम शत्रु मुक्ति के लिए एक छोटा सा प्रयोग आपको बताएंगे, बहुत सिंपल सा प्रयोग है। देखिए, काली मिर्च आपको लेनी है 7, याद रखिए 7 काली मिर्च। अगर शत्रु ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, अपने हो, पराए हो, कोई भी हो, शत्रु शत्रु है, एक है, हजार है, सबका नाम आपको लेना है, तो आपको 7 काली मिर्च लेना है। आप चाहे तो 11 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भारी वस्तु से दबा कर इसे कूट दें, साबुत काली मिर्च लेकर आप किसी भारी वस्तु से आपको उसे हल्का सा दबा कर कूट लेना है। अब इसको गाय के कच्चे दूध में मिलाकर किसी भी शनिवार या सोमवार के दिन जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। भगवान से प्रार्थना करें कि आपके सभी शत्रुओं से आपको मुक्ति मिले। यकीन मानिए, शत्रु आपके सभी नष्ट हो जाएंगे। 3 शनिवार या 3 सोमवार आपको लगातार ये उपाय करना है। बहुत सिंपल सा यह प्रयोग है, याद रखिए गाय का कच्चा दूध आपको लेना है और काली मिर्च। तो यह प्रयोग आप जब कीजिएगा, लगातार आपको नमः शिवाय का जाप करना है और बातचीत आपको नहीं करना है प्रयोग करते वक्त। आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मंदिर में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मंदिर में की गई प्रार्थना कभी अस्वीकार नहीं होती है। अब दूसरा उपाय हम आपको बताते हैं। अगर नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ गई है, जीवन में टेंशन बढ़ गई है, परेशानियां बढ़ गई है, तब यह सिंपल सा उपाय आपको करना है। बहुत सिंपल है, आपकी उलझनों को दूर करेगा, शत्रुओं को नष्ट करेगा। आपके जीवन में अगर कहीं कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, दिशा भटक गए हैं, या फिर आप लगता है लक्ष्यहीन हो गए हैं, चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब यह सिंपल सा प्रयोग आपको करना है। आपको चाहिए होगा एक सफ़ेद कागज, अगर भोजपत्र हो तो और अच्छा है। अब इस भोजपत्र पर या नहीं है तो एक सफ़ेद कागज आप ले लें, सफ़ेद कागज आपको लेना है। इसके बाद आपको काजल से या काली शाही से अपने शत्रु का नाम उस कागज़ पर लिख लेना है। अब लिखने के बाद थोड़ा सा शहद उस पर आप लगा दें जहाँ पर शत्रु का नाम लिखा है। इसके बाद काली मिर्च के 7 दाने रख दें। अब इस कागज़ को आप जैसी मर्जी आप जला दें, चाहे तो आप कागज़ में जला दें या किसी जलती हुई आग में इस कागज़ को जला दें। यह प्रयोग आपके शत्रुओं को जड़ से ख़त्म करेगा और हमेशा के लिए दूर करेगा। जब आपने शहद उस कागज़ पर लगाया तो उसी वक्त से यह प्रयोग जो है काम करना शुरू कर देता है। आपके बारे में वह कुछ गलत सोच भी नहीं पाएगा और आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। बहुत सिंपल सा यह प्रयोग है, लेकिन यह बहुत ही अचूक
प्रयोग है। तो शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए यह अचूक टोटका है, आप इसे जरूर करिए, इसका प्रभाव जल्दी आपको दिखने मिलेगा। अब हम आते हैं शिव जी की श्रेणी में। कई बार क्या होता है, ऐसे लोग शत्रु होते हैं जिनको हम ना तो पकड़ सकते हैं ना ही छोड़ सकते हैं। आप फंस चुके हैं। आपको यहाँ पर जब ज़्यादा परेशानी हो जाए तब यह सिंपल सा प्रयोग आपको करना है। आपको चाहिए होगी 5 काली मिर्च के दाने और गाय का घी। अब घी में थोड़ा सा घी पिघला लें। इसमें 5 काले मिर्च के दाने साबुत दाने आपको लेने हैं। किसी डब्बे में बर्तन में आप लेकर जाएं। शिवलिंग पर आपको इस घी में जो मिक्स की है काली मिर्च उसको अर्पित कर दें। भगवान से प्रार्थना करें आपकी रक्षा हो और आपके सभी शत्रु जड़ से खत्म हो जाए। इसके बाद एक लोटा जल आपको अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय का जप आपको करना है और फिर आप अपने घर आ जाए। नंदी के कान में आप अपनी मन्नत जरूर करिएगा। बहुत सिंपल सा यह प्रयोग है। जब आपने घी में मिक्स कर वहाँ शिवलिंग पर अर्पित कर दिया तो फिर आपको और कुछ सोचना ही नहीं है, सब कुछ शिव जी पर छोड़ देना है। अब वही सब कुछ करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। इसके साथ दोस्तों आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसके साथ में लगी घंटी को भी दबाएं ताकि भविष्य में हमारे आने वाले हर नए वीडियोस की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां काली।